इतिहास के पन्नों में दबी शूरवीरों की धरती माहिष्मती, राजमाता शिवगामी के शासन में विश्व के लिए शक्ति और वैभव का प्रतीक थी। अगर शिवगामी इसके सिर का मुकुट थी तो इसकी भुजाओं की तलवार था मैं, कटप्पा। मैं रण का स्वामी था और सिंहासन का गुलाम भी। जब अमरेंद्र बाहुबली माहिष्मती के शत्रुओं का सामना कर रहा था, उसके अपने भाई भल्लाल देव ने ही उसकी पीठ में खंजर घोंप दिया। भल्ला माहिष्मती के सिंहासन पर तो बैठ गया, पर माहिष्मती के लोगों के दिलों पर सदा अमरेंद्र बाहुबली का ही राज रहा। वर्षों बाद अमरेंद्र बाहुबली के बेटे महेंद्र बाहुबली ने अपने पिता का बदला लिया और माहिष्मती को एक स्वर्ण युग की ओर ले गया। पर इससे पहले एक और कहानी थी। बाहुबली के जीवन और माहिष्मती के इतिहास की एक ऐसी महागाथा जिसमें बाहुबली को अपनी सबसे कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। हमारे लोगों की हत्या हुई, उन्हें लूटा गया, पर अपराधी कोई चोर लुटेरा नहीं, माहिष्मती थी। सोच समझ कर बोलो, हमारे ही घर में घुसकर हम पर ऐसा आरोप? केवल आरोप नहीं लगा रहा हूं, सबूत भी साथ लाया हूं। माहिष्मती के बने फौलाद को बच्चा बच्चा पहचानता है। यह तुम्हें कहां मिला? हमारे लोगों की छाती में कड़ा हुआ। तीर्थ यात्रा पर थे वो निर्दोष। कंदर पर्वत पे होने वाली पूजा के लिए हमारे कुलदेव गरुड़ की मूर्ति लाने गए थे। 50 साल में एक बार होती है ये पूजा, हमारे राज्य और उसकी प्रजा की सुरक्षा के लिए। ये मूर्ति खरे सोने की है, पर इसकी कीमत जो भी हो हमारे लिए यह अनमोल है। जब तीर्थयात्री समय पर लौटे नहीं तो उन्हें ढूंढने के लिए हमने सैनिक भेजे। उन्हें मिली तो बस उन श्रद्धालु यात्रियों की छिन्न भिन्न लाशें, पर गरुड़देव की मूर्ति गायब थी। हमारे कुलदेव की मूर्ति इसी महल में है, उसे लौटा दो, वरना माहिष्मती को इसका दंड भुगतना पड़ेगा। युद्ध की धमकी है ये। बहुत अच्छे, काफी भूमि है माहिष्मती के पास, इसमें से कुछ गरुड़ राज्यम का शमशान बन जाएगी। सबूत तुम्हारे सामने है, माहिष्मती का बना फौलाद। कल पौ फटने तक का समय है तुम्हारे पास, हमें हमारे गरुड़देव लौटा दो। अच्छा मौका है, गरुड़ राज्यम को उसकी औकात याद दिलाते हैं। 100% की बात कही है बेटे, कहते हैं उनके राजकोष में कोई खो जाए तो दोबारा नहीं मिलता। ये युद्ध जीत कर माहिष्मती दुनिया का सबसे धनवान राज्य हो जाएगा। किस बात का युद्ध, जबकि ये अपराध हमने किया ही नहीं। पर सच ये भी है कि ये माहिष्मती की भट्टी में तभी तलवार है, पर कौन सा सैनिक लड़ाई में अपनी तलवार छोड़कर आता है? मेरी सेना का तो कोई नहीं, तो इसका एक ही मतलब है, ये तलवार जानबूझकर छोड़ी गई है। माहिष्मती और गरुड़ा राज्यम को एक साथ लड़ाने के लिए अगर हम दोनों लड़े तो दोनों राज्यों का विनाश तय है। भल्लाल देव, सेना को तैयार करो। अपनी सभा में धमकियां सुनने की मेरी आदत नहीं, और कह दो उनसे आज रात वापस चले जाएं। हमारे पास उन्हें लौटाने के लिए कुछ नहीं, पर अगर फिर भी उन्होंने युद्ध की जिद पकड़े रखी तो माहिष्मती उनकी ये इच्छा अवश्य पूरी करेगी। माँ, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं ढूंढूंगा गरुड़ देव की मूर्ति। भोर तक का समय है तुम्हारे पास, उसके बाद युद्ध का शंखनाद। हमारी आपस की लड़ाई में किसका फायदा होगा? समझा काल के। माहिष्मती, करुण राज्यम। जश्न में रुकावट के लिए खेद है।
पर विनाश माहिष्मती और गरुड़ा राज्यम का नहीं, तुम्हारा शायद हो सकता है। मुझे बचाते रहने का शौक है तुम्हें मामा। हाँ, तुम्हें मुसीबत में पड़ने का जो शौक है। बाहुबली तो असफल रहा। आप आदेश दे मां और मैं उन्हें खुला छोड़ूं एक शानदार युद्ध के लिए। गरुड़ राज्यम के दूतों को अंदर भेजो। सूरज निकल आया है, अपने पिता को आपका क्या जवाब भेजूं? शांति या युद्ध? मैं तो यही चाहूंगा कि बहुत लोग युद्ध को अपना धर्म मानते हैं, पर मुझे लगता है शांति के भी अपने कुछ फायदे हैं। क्या कहते हैं राजकुमार? बिल्कुल, ये सब कालकेय का किया धरा था हमें आपस में लड़ाने के लिए। राजमाता शिवगामी, हमसे भारी भूल हुई जो हमने आप पर संदेह किया। आज से गरुड़ राज्यम आपका आभारी है और ऋणी भी।
मैंने सुना तुमने युद्ध रोक दिया बाहू। नाराज हो मामा, जानता हूँ रणभूमि में कूद पड़ने की कितनी जल्दी रहती है तुम्हें। किसी जमाने में रहा करती थी जब मैं नौजवान था, बेवकूफ था। मैं तुम्हें बेवकूफ नौजवान लगता हूँ? बेवकूफ नहीं पर समझदार भी नहीं हो। समझदारी उम्र और अनुभव के साथ आती है। तुम्हें देख के तो नहीं लगता। उनकी योजना सफल होते होते रह गई मामा। काल के में इतना दिमाग, उन्हें तो केवल लात घूसों से लड़ना आता है। यानी तुम्हें लग रहा है कि इसमें कोई और भी शामिल था? शायद, पर इसका कोई सबूत नहीं है मेरे पास। ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई हमें परख रहा है और ये केवल शुरुआत है? हमला, हमला, राजकुमार हमला। महेशमती की पश्चिमी सीमा पर एक नगर पर घातक हमला हुआ है। सबके सब मारे गए। चारों ओर विनाश की लहर फैल चुकी है। पूरे सम्मान से इन्हें नीचे उतारो। माहिष्मती के नागरिक हैं ये। बुजुर्गों के साथ ऐसा बर्ताव? इनसे किसी को क्या खतरा कटप्पा? केवल बुजुर्गों की लाशें हैं ये। नगर के बाकी लोग कहाँ हैं? ये बताएगा। सैनिक मेरे साथ। रुको भल्ला, हमें पहले लगा तुम हमसे बच के निकल। शत्रु से सावधान। राजकुमार की रक्षा करो। सरदार, जो इस ओर आ रहा है वही कटप्पा है। मैं निपटता हूं इससे। तो ये है माहिष्मती का महावीर कटप्पा। एक महायोद्धा से दूसरा महायोद्धा ही भिड़ना चाहिए। ओ कौन तुम? इन्हें नहीं जानते? नाम से रक्तदेव, काम से कालदूत, ये काल है माहिष्मती जैसे शोषक साम्राज्यों के दूत, एक नई व्यवस्था के। माहिष्मती को अपनी तलवार के फौलाद का घमंड है ना? ये अपने सीने में फौलाद लिए चलते हैं। इनकी एक ललकार ने कई राज्यों के सिंहासन पलट दिए हैं। अब माहिष्मती की बारी। तुम ना तो पहले घुस बैठिए हो ना अंतिम, जिसने माहिष्मती को गिराने का सपना देखा है। पर तुम जैसों को नींद से जगाना हमें आता है। ना तो तुम जैसों के सामने माहिष्मती का फौलाद कभी टूटेगा और ना ही माहिष्मती की सेना का आत्मबल। लौट जाओ वरना बुरी तरह हारोगे। क्यों ना हार जीत का फैसला हम दोनों अपने बीच कर लें। सुना है तुम माहिष्मती के शेर हो। शेर और भेड़िया की लड़ाई में इन चूजों का क्या काम? मैं कोई शेर नहीं, माहिष्मती के सिंहासन का अदना सा गुलाम हूं मैं। तुम गुलाम से कहीं बढ़कर हो कटप्पा। तुम मुझे जानते हो? तुम्हें कौन नहीं जानता। बहुत कहानियां सुनी हैं तुम्हारी वीरता की। देखूं तो क्या कहानियां भी कभी सच होती हैं? छी, कहानी तो सच से फीकी निकली, लेकिन अफसोस आज मैं इसका अंत लिखने वाला हूं। Yeah!
माहिष्मती की तलवार कांच की निकली। हार कर भी मुस्कुरा रहे हो। किसने कहा मैं हार रहा हूं? वो क्या है ना, मेरी योजनाएं घिसी पिटी नहीं होती। और ऊपर लड़के, मेरा भाई भी देखे कि उसे बचाने के लिए कौन आया है। जी बाहुबली। बना दे इन भेड़ियों को भेड़। जय माहिष्मती। लगता है पूरा माहिष्मती आया है हमारा स्वागत करने। दिखा दो कि हमारी मेहमान नवाजी भी कुछ कम नहीं। जला दो माहिष्मती को नरक की आग में। करना है तुम्हें। आज्ञा दे बाहुबली। इस ध्वज को सुरक्षित माहिष्मती तक पहुंचाना है। जाओ जल्दी। पीछे हटो, माहिष्मती ध्वज के साथ जाओ। हमने पीट की तो ये हमारी पीठ पर खंजर खोप देंगे। हमारी तलवारें इनके कवच से टकराते ही टूट रही हैं। इनकी जान लेना असंभव है। तो फिर अपनी जान बचाओ। अगली बार इन्हें हराने के लिए, माहिष्मती की रक्षा के लिए तुम्हारी ढाल बनकर मैं खड़ा हूं यहां। जाओ जल्दी। कहाँ है? ऐसे अजीब काले फौलाद से बने हथियार मैंने पहले कभी नहीं देखे माँ। उसके सामने हमारी तलवारें तिनकों की तरह बिखर गईं। बाहुबली कहाँ है? कहाँ है तुम्हारा भाई?
नहीं मां, वो बहुत बुरी तरह चल चुका है। मेरा बेटा है ये। राजमाता, मैं आपका गुनहगार हूं। नहीं कटप्पा, तुम मेरे नहीं, समस्त माहिष्मती के गुनहगार हो। तुम्हें पता होना चाहिए था, शत्रु की शक्ति, उसके हथियार, उसके काले फौलाद, पता होना चाहिए था तुम्हें कटप्पा। तुम्हारी इस भूल की कीमत मेरे बेटे ने चुकाई अपनी जान देकर। मेरे बेटे के हत्यारे हो तुम कटप्पा। बाहुबली मेरे अपने बेटे जैसा था राजमाता। खबरदार जो उसका नाम अपने मुंह से लिया। मेरा बेटा था वो, माहिष्मती का भविष्य था वो। तुमने माहिष्मती का भविष्य रौंद डाला। जब मौत उसकी तरफ बढ़ रही थी तब तुम कहां थे कटप्पा? उसकी ढाल बनकर मौत को तुमने गले क्यों नहीं लगाया? कर्तव्य था तुम्हारा ये कटप्पा। राजमाता, मेरी सांसें माहिष्मती के सिंहासन से बंधी है। आज तक आपके हर आदेश पर अपना सिर झुकाया है मैंने, और शत्रु का सिर काटा भी है। आप मृत्यु दंड भी दें तो स्वीकार्य है मुझे। मृत्यु की सजा तुम्हारे लिए बहुत छोटी है कटप्पा। महिष्मती से सांसें बंधी है ना तुम्हारी, तो आज इसी क्षण मैं तुम्हें महिष्मती से बहिष्कृत करती हूँ। यहाँ ना आप कोई तुम्हारा नाम लेगा और ना हमारा इतिहास तुम्हें याद रखेगा। यही सजा है तुम्हारी। अगर आज के बाद तुम माहिष्मती में दिखाई दिए तो कुत्ते की मौत मारे जाओगे। ये मेरा वचन है, और मेरा वचन ही है शासन। मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया मेरे बेटे। चाहे कहीं भी जाऊं मां, लौट के हमेशा घर ही आऊंगा। मेरा बेटा। मां, मां, आपने मुझे आवाज दी, आपने मेरा बेटा कहा? वो मुझे लगा कि कुछ नहीं। एक और हार। कभी भी कहीं भी किसी भी दिशा से हमारी सेना पर काल बनकर टूट पड़ता है। अगर कटप्पा होता तो शायद हम उसे ये नाम फिर कभी माहिष्मती में मत लेना। क्षमा राजमाता, मैं केवल ये कहना चाहता था कि हम उसे। क्या आप सब इतने कमजोर हैं कि एक गुलाम का संरक्षण चाहते हैं? भूलिए मत, वो एक तुच्छ गुलाम था, और आप माहिष्मती की महासेना के सेना प्रमुख। अपना सामर्थ्य टटोलिए और इस काल दूत को उसके काल से मिलाने की योजना निकालिए। जल्दी, हमारे पास समय कम है और शत्रु अधिक। इस सिंहासन पर तुम्हें ठाट बाट से बैठा देख पा रहा हूं मैं, मेरे बेटे। और मैं भी देख पा रहा हूं बाहु को अपनी मां की आंखों में, प्रजा के हृदय में, माहिष्मती के इतिहास में। वो मरकर भी नहीं मरा। आज भी माहिष्मती में उसका कदम मुझसे ऊंचा है। क्या फर्क पड़ता है किसके हृदय या आंखों में कौन है? सिंहासन पर तुम होगे, और इतिहास केवल यही याद रखेगा। उत्सव मनाओ बेटा, बाहुबली मारा गया, और तुम्हारे हाथों पर उसके रक्त का एक छींटा तक नहीं लगा। इसी बात का तो अफसोस है। मैं समझा नहीं बेटा। कैसे समझेंगे पिताजी,
बचपन में जिससे सबसे ज्यादा नफरत की उसी को भाई बोलकर गले लगाना पड़ा। एक दिन उसी गले पर अपनी तलवार चलाकर अपना अधिकार छीनने का सपना था मेरा। केवल हाथ पर रक्त के छींटे नहीं, उसके रक्त से नहाना था मुझे। बाहुबली, बाहुबली को हराकर सिंहासन जीतना था मुझे। बाहुबली को मार सकता था मैं, पर उसकी जयकार को कैसे मारूं? बूंद पानी, प्यास से गला सूख रहा है मालिक। मुफ्त का पानी चाहिए हरामखोर? चलो काम पर लग। तुम काम चोरों के सारे नाटक अच्छे से जानता हूँ मैं। ये चाबुक अच्छे अच्छों को टिकनी का नाच नचा देता है। चला नहीं जाता तो रेंग, पर काम नहीं रुकना चाहिए। मालिक दया, मालिक दया। दया? अपने चारों ओर देख मूर्ख, नरक में दया मांग रहा है। या तो काम कर या फिर मर। ठीक है फिर, आज गिद्धों की दावत बनेगा तू। तू इसी लायक है। तू तो गया, तेरी चमड़ी उधेड़ कर चाबुक बनाऊंगा। तू देख अब कैसे। मेरा हाथ थामिए बाबा, चलिए छांव में आराम कीजिए। तुमने उसे मार दिया? ये लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं बेटा। भाग जाओ इस नरक से, इससे पहले कि कोई यहाँ पर आए। भाग जाओ। अकेले भागना होता तो कब का भाग चुका होता। जाऊंगा तो सबको साथ लेकर। वो आ रहे हैं। आने दो।